है राजस्थान के चुनावी समर में आज जनता किस ओर है, किस पार्टी की ओर लोगों का रुझान है, यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान के संवाददाता राहुल भारद्वाज पहुंचे हैं बीकानेर। चलिए देखते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। बीकानेर में है हम लोग इस वक्त, राजस्थान में चुनावी माहौल क्या है वो कवर कर रहे हैं। और यहाँ ये होटल है काली माई होटल, और काली माई होटल पे मौजूद लोगों से जरा पता करेंगे कि इस बार काली माँ का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलने जा रहा है। आपका नाम क्या है भाई साहब? नौशाद अली। नौशाद अली जी, ये बताइए राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत हैं, फिर बनेंगे मुख्यमंत्री इंशाल्लाह? आप चाहते हैं बने? यस। अच्छा काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? काम तो अच्छे ही किया, पता है। जैसे एक आध बीकानेर संभाल रहे हैं और लड़ाई झगड़े हैं नहीं यहाँ पे, अच्छा माहौल बना हुआ है। अच्छा माहौल बना हुआ है, ठीक है भाई साहब। नौशाद अली तो कह रहे हैं कि गहलोत सरकार वापस आएगी। नहीं नहीं, गहलोत सरकार नहीं आएगी, गहलोत सरकार नहीं आएगी, बीजेपी आएगी सर, कन्फर्म। क्या कह रहे हैं, बीजेपी आएगी? पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। तो नौशाद अली जी तो बता रहे थे कि अशोक गहलोत बढ़िया काम किया है। पूरा भ्रष्टाचार है साला कांग्रेस रोज में। राज कार्य तो बहुत बढ़िया की है, कुछ कार्य नहीं है, बहुत बढ़िया कार्य की है। हाँ? लेकिन सर भ्रष्टाचार, कांग्रेस भ्रष्टाचार बताओ सर, ये गिनाओ आप पेपर, हाँ पेपर लीक करे सब सरकार के नहीं होते, यूपी सरकार में सब उजाला है, यूपी नहीं हुआ सर, पास एकदम कहाँ पास। अरे सुनो तो फिर आप जा, आपकी पार्टी चलो कोई बात नहीं, वो चले गए। आप बताइए आपका क्या कहना है सर? कांग्रेस सरकार रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि उसने जन सुविधाएं बहुत काम की है, जैसे चिरंजीवी योजना है, 25 लाख तक इलाज फ्री है, एक्सीडेंट होने पे 10 लाख तक का बीमा है, और भी जैसे सिलेंडर मिलता है 500 रुपए में। लेकिन एक माहौल अलग है, हमारे यहाँ बीजेपी पार्टी मजबूत है, सिद्धि कुमारी राज परिवार से है, एक शांत नेता है, बढ़िया है। देखो क्या होता है, बाकी जनता जनार्दन है, तो जनता जनार्दन आप ही तो हो, तो हम तो चाहते हैं कांग्रेस रिपीट हो। आप भी चाहते हैं कांग्रेस रिपीट हो? कांग्रेस रिपीट होने का कोई चांस नहीं है। बीकानेर के अंदर दो दो मंत्री है, लेकिन एक भी खड्डा नहीं भरा है रोड का अभी तक। फाटक वो तो कई साल बुढ़ी हो, फाटक ब्रिज को बनाने लाग रही है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, कहाँ हुआ एक भी रोड का कार्य नहीं हुआ है। लेकिन बीकानेर के अंतर फिलहाल में तीन मंत्री है, एक केंद्रीय मंत्री है, दो स्टेट में मंत्री है, लेकिन बीकानेर की रोड आप देखो ना, सड़क का कार्य देखोगा ना तो 1% भी कार्य नहीं हुआ है अभी तक। क्या हो गया? हाँ जी बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। विजय यहीं रहते हो बीकानेर में? बीकानेर में रहता हूँ। कौन विधायक है यहाँ से? क्या मतलब विधायक कौन है? विधायक नहीं, हिंदी में बताओ मेरे को। विधायक आपको हिंदी, एमएलए कौन है मतलब? ठीक है अब देखिए, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री को आप जानते हैं अशोक गहलोत को? हाँ। जीतेंगे इस बार, हारेंगे मेरे को क्या मालूम, वो तो उसकी कोशिश है। ठीक है तो ये देखिए, ग्राउंड पे ये भी बड़ा मजा आता रहता है कि साथ में कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं। हाँ उनका तो पर्चा ही रद्द होने वाला है। किनका? उसके खिलाफ एफआईआर करा रखी है ना, वो दो केस छुपा रखे गहलोत जी के खिलाफ। तो बीजेपी अगर आती है तो बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री बनेगा? बीजेपी से सर बहुत दूल्हे है, बहुत दूल्हे है सर, एक तो राजेंद्र राठौड़ और एक बालकनाथ योगी और एक तिजारा से यार, एक अपने बाड़मेर से भी है, वो क्या नाम है उनका, प्रतापपुरी, और वसुंधरा जी राजे। और बाबा बालकनाथ ने तो अभी हाल फिलहाल में एक एक उसमें कह दिया कि वसुंधरा जी भाभी सीएम बनेंगे। कहने का कुछ और है, करने का कुछ और है। ऐसे सर मोदी बोलते हैं ना, कमल पे सिर्फ कमल है अपना, कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। दूल्हे बहुत है सर, दूल्हे बहुत है बीजेपी में, दूल्हे बहुत है। ठीक है हम गाना एक क्या हमारा तो सनातन धर्म है भैया, हम तो सबको मानते हैं, हमारे लिए तो मोदी जी भी अच्छा, सुनो हमारे लिए तो कांग्रेस भी अच्छी और बीजेपी भी अच्छी, हमारा सनातन धर्म तो सबको मानते हैं। हम मंगलामुखी किन्नर समाज की, मैं बीकानेर की, बीकानेर बड़ा बाजार के अध्यक्ष मुस्कान भाई, मैं तो सबके लिए दुआ आशीष करती हूँ। मेरे बोलो डोकरी माता की जय, सबको सपोर्ट करते हैं। ये और बता दीजिए कि मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं आप? नहीं जी सुनो मेरी बात, हमारे लिए तो मोदी जी भी अच्छा है, हमारे कांग्रेस भी अच्छे हैं, हाँ जी हमारे वो भी अच्छे हैं। काम किया अशोक गहलोत ने? हाँ जी बहुत अच्छा अच्छा काम किया उन्होंने, गरीबों की कितनी सहायता करी है हमने, बहुत अच्छा अच्छा देखा अखबारों में, और मैं तो खुद मंगलामुखी किन्नर, हमने इस शहर के अंदर 25-25 लड़कियों की शादियां करी है, हमारे जजमान उसमें सरकार का भी सहयोग था कुछ, या केवल आपने अपने पैसों से किया? नहीं नहीं हमारे जजमान का, मेरे जजमान दाता जी तेरे, मेरे जजमान हमें देता, और हम लोग 25-25
लड़कियों की शादियां करी, आश्रम बनाए। मेरे गुरु माने रजनी भाई अग्रवाल ने, उनका भी खूब नाम है, बच्चा बच्चा जानता उनको। उन्होंने बहुत सेवा करी गरीबों की। और कोरोना राजे वसुंधरा राजे के लिए क्या कहेंगे? और हमने कोरोना काल में कितने टैंकर पानी के डलाए, तीन तीन चार चार प्याऊ लगवाए, गरीबों की लड़कियों की शादियां करी हम लोगों ने, मेरे गुरु माने भी करी, मुस्कान भाई ने, मैंने भी करी। लेकिन लेकिन उन्होंने किया ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वसुंधरा राजे जी ने क्या किया ये तो बता दीजिए। उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छी है हमारी वसुंधरा राजे भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी अच्छे अच्छे काम। ठीक है, तो आपका आशीर्वाद तो चहु और है, मतलब है जी, जी, है। मेरे यूपी में योगी जी भी बहुत अच्छे हैं, दाता राजी हमारे लिए ठीक है, सब एक बराबर है। ठीक है, तो अम्बे मात की जय के जयकारों के साथ यहाँ पर बात चलते चलते पहुंची है, और हम पहुंच गए अब काली माई होटल के जो संचालक हैं उनके पास, जिन्होंने 1100 रुपए की भेंट इन्हें की थी। जरा बताइए क्या माहौल है राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी बीजेपी आएगी इस बार, बीजेपी आएगी, सरकार चेंज होने वाली है इस बार। नो इफ नो बट, बीजेपी ओनली, ओनली बीजेपी, श्योर बीजेपी आएगी एकदम। हाँ, 100% बीजेपी आएगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बीजेपी से? बालकनाथ, योगी बालकनाथ। तो योगी बालक नाथ जी तो खुद अभी कह दिए हैं एक सभा में कि वसुंधरा राजे भावी सीएम है। बहुत है ना बीजेपी में, बहुत ज्यादा दूल्हे हैं, अब समझ नहीं आ रहा किसको मुख्यमंत्री बना, इसलिए सरकार ही नहीं है। लेकिन क्या काम किया बीजेपी ने भी जरा बताइए, 2013 से 18 तक बीजेपी की सरकार रही राजस्थान में, क्या काम किया बीजेपी? बीजेपी बढ़िया सरकार है, ना कोई भ्रष्टाचार है ना कुछ और है, कांग्रेस के अंदर फुल भ्रष्टाचार है एकदम। आपको भी ऐसे ही लगता है सर, बीजेपी की सरकार में ज्यादा बढ़िया काम रहता कांग्रेस से? काम तो अभी अशोक गहलोत ने किया है और सबको सुविधाएं दी है, और कोरोना कोरोना में जिस तरह से सिस्टम किया है, काम मत करो, पेपर पेपर लीक तो यूपी में भी हो रहे हैं, खाली करो भोकट पर खाओ, यूपी में भी हो रहे हैं, जहाँ इनके योगी बाबा बैठे हैं वहाँ भी हो रहे हैं। क्या अशोक गहलोत ने जो चला है ना, तीन बार मुख्यमंत्री बने हैं ना, आप लोगों की अंतरात्मा नहीं माने तो उसको हम क्या कर सकते? सब सेवाएं सब दिया है, मोबाइल दिया है, सब सेवाएं ले रहे हैं, सब घर में इलाज करा रहे हैं 80,000 रुपए का। ठीक है, ठीक है, ये बात बाबूजी जरा बताइए, आप देखिए आप वरिष्ठ आदमी, आप अनुभवी आदमी है, तमाम सरकारें आपने देख ली, जरा बता दीजिए किसकी सरकार में ज्यादा दम रहा? दम तो ये अभी मोदी जी के थ्रू दम है, और उसी के पीछे ही सब, मोदी जी के पीछे जो मुख्यमंत्री बनाएगा उनकी समझ है, और सब काम मोदी जी के पीछे ही काम हो रहा है, और मोदी जी के पीछे हम उनको बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि धर्म का तुआ इन्होंने उड़ाया है, आज साधु संत इनसे ही खुश है और सब यहाँ खुश है, तो यहाँ तो सरकार बिल्कुल सत्ता चेंज होगी, सत्ता बिल्कुल चेंज होगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो भी मोदी जी जो बनाएगा मुख्यमंत्री, चेहरा तो वहाँ पे पहले था नहीं, जो योगी जी मुख्यमंत्री बने उनका नाम चौथे नंबर पर आया, और मोदी जी ने फट निकाल दिया कि योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। तो ऐसा मोदी जी जो मुख्यमंत्री चुनेगा ना, वो ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, कांग्रेस की विचारधारों की लड़ाई होती है, बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दे है, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। जैसे अपने पश्चिम में जेठानंद व्यास ने क्या बोला, क्या मुझे अल्पसंख्यक है जो उनके वोट नहीं चाहिए, मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूँ और मुझे हिंदू के वोट चाहिए। सर एक नहीं, कहा है इन्होंने सर, सबका विकास लेकर चलने वाला आदमी हूँ, जो वोट मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है, तो सर जो नेता होता है बोला क्या? ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, इस हिसाब से कुछ नहीं बोला उन्होंने, ये जो बोल रहे हैं गलत बेकार कर रहे हैं। ये कभी इटली जाके कुछ बोलते हैं या कभी कहीं जाके कुछ बोलते हैं, इनको खुद को ही पता नहीं है। इनको बोलो मुख्य प्रधानमंत्री बनाएंगे तो क्या किसको बनाएंगे, पहले ये पूछो कांग्रेस में प्रधानमंत्री बोलो। लेकिन सवाल लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री के अंदर, इनको राहुल गांधी का नाम बोलने में शर्म आएगी, इनको प्रधानमंत्री का नाम लेंगे ना कांग्रेस वाले को राहुल गांधी का नाम बोलने में शर्म आएगी। आप देखो भैया की तरफ करो, राहुल गांधी का नाम लेते हैं क्या? पूछो नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे, माफ राहुल गांधी पीएम बनेंगे नहीं, वो लंबी बात है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का, ये सवाल है, आप बता दो। बीजेपी का कोई बनेगा, मोदी जी बनाएंगे, मेन लीडर मोदी जी, मोदी जी बस, इनके पास सर चेहरा नहीं है, विजन नहीं है लड़ने का, विजन तो ये एक देखिए एक बड़ा दिलचस्प है, आइए आइए साथ आइए, आप पान चबा रहे हैं? तमाकू है कौन सा? हम दोस्त हैं, ये बीजेपी में है, हम कांग्रेस में है। क्या बात है, लेकिन योजना इनको भी कांग्रेस की पसंद है, अशोक गहलोत ने काम ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है। देखो ऐसा है, जो आदमी सही है वो सही बात करेगा, और जिसको बात नहीं करनी है ना, क्या
क्या कहना है, कहने खा पी के भी जो आदमी इनकार कर दे ना, वो फिर उसकी कोई ना तो पार्टी है ना उसका धर्म है। क्या धर्म सबसे बड़ा इंसानियत है, मानवता है। ठीक है, तो आपकी इस दोस्ती पर और आपकी इस आखिरी बात पर मैं यहाँ अपनी बात खत्म करता हूँ, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। हालांकि पीछे मैं कुछ बहस छोड़ आया हूँ जो जारी रहेगी, और ये बहस जो है जारी रहनी चाहिए। बहस जारी रहती है तभी जो है लोकतंत्र में मजा आता है। और सरकार किसकी बनेगी बताएंगे, आगे पता लगेगी। देखिये बीजेपी बोल रहे, हालांकि ये कांग्रेस कहते हैं बता करेंगे, ठीक है, ये दोनों दोस्त भी है। तो ये कंधे पे जो हाथ डाला हुआ है कांग्रेस ही और बीजेपी ने एक दूसरे कंधे पर हाथ डाला हुआ है, यही ये मेरा हाथ कांग्रेस का है, मेरे जेब में फूल इनका बीजेपी का है। तो यही देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और राजस्थान के बीकानेर से ये कोशिश हमारी थी कि हम जरा चुनावी माहौल जान पाए, और ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। तमाम अलग अलग वर्ग के लोगों से हम जानेंगे राजस्थान में किसकी इस बार सरकार ये लोग बनाना चाहते हैं। बीकानेर से NDTV के लिए राहुल भारद्वाज की रिपोर्ट।